तो हेलो, कैसे हो सारे? आप सबका स्वागत है हमारे आज की न्यू वीडियो में। बिना कोई टाइम गवाए अपन अपने आज की वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं यहाँ पर मॉर्टल के बारे में। तो मॉर्टल जब लाइव आए थे तो वो बात करते हैं एसीटीएल के बारे में। उनसे लोग पूछ रहे थे कि किसकी पर्सनलिटी सबसे अच्छी है एसीटीएल के अंदर, तो इस बारे में वो बात कर रहे थे। इसके साथ सोल्ड के ऊपर उन्होंने रिएक्ट करा था, जो वाइल्ड कार्ड अभी होने वाले उसके ऊपर उन्होंने रिएक्ट किया था। तो उनका पूरा रिप्लाई आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। Who has the best personality in SATL? ऐसा बेस्ट वेस्ट कुछ नहीं होता है, सब लोग अपने जगह पे बेस्ट है भाई। बेस्ट पर्सनैलिटी, सबका पर्सनैलिटी ओवर टाइम डेवलप होता है, कोई भी पैदा नहीं होता किसी सॉर्ट ऑफ पर्सनैलिटी के साथ। एंड मेरे ख्याल से एवरी वन हैव देयर ओन पर्सनैलिटीज अलग अलग, जहाँ पे वो शोकेस करते हैं, ठीक है। तो जो अपना पर्सनैलिटी जहाँ शोकेस करता है, उसको जहाँ सूटेबल लगता है, तो वहाँ पे वो अच्छा ही करता है अपना पर्सनैलिटी शोकेस। What a day, Mortal का व्लॉग, स्काउट एंड जोकर की वीडियो भाई, जोकर का वीडियो भाई साहब, माँ कसम मौत मौत भाई, क्या बनाया है भाई वीडियो, इनसेन ब्रो। एक बार W फॉर जोकर भाई, भाई क्या वीडियो बनाया है भाई, माँ कसम भर गया पूरा मेरा आँख भाई। टीम को बोलो कि वाइल्ड कार्ड में फाड़ देना भाई, ऐसा लग रहा है वाइल्ड कार्ड ये था और आगे वाला असली है। फीलिंग आ रही है ऐसी देखकर। अपन बात करते हैं ऋषि भाई ग्लोबल स्पोर्ट्स के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो ग्लोबल स्पोर्ट्स एक नया प्लेयर ढूंढ रही है एक वीसीटी रोस्टर के लिए, तो लोग उनको पूछ रहे थे कि आप एक नया प्लेयर क्यों ढूंढ रहे हो, मतलब ऑलरेडी रोस्टर है जी के पास, मतलब फाइव मैन लाइनअप है, तो एक नया प्लेयर क्यों ढूंढ रहे हो। तो इन सब चीज़ों का रिप्लाई करा था ऋषि भाई ने, तो उनका पूरा रिप्लाई भी आप देख लो। Why are you looking for a new player then? We want to grow our roster. We want to ensure that, again, we are not building for tournaments. We are building for champions. Like, we're not like, ye stage ke liye best five kaun se honge. It's like, okay, which players can we bring together and build together so that this can grow to be a championship roster. So, we're not just, it's not about this season and this event and this match. That's why we're not making changes as quickly as other people are. We're making changes, no doubt. We're just not making rash, quick changes for an event. We are looking at the long-term effect of those changes. Yo. And if what you're talking about, what I mean is, next season, the season after that, the season after that, Global Esports as a company still has to survive every year. No? We still have to be here in 2024, 2025, 2026, 2027, 2035, 2045. Whether VCT is there or no, whether Riot is there or no, we still have to be there. So we still have to build towards every season. We can't just wake up one day and be like, yeah, okay, let's do this now and then next year we'll figure it out. Such a tough situation to be in too. एंड टॉकिंग अबाउट वेलोरेंट, अपन अब बात करते हैं आरएनटी के बारे में। तो आरएनटी ने भी अपने एक प्लेयर को फेयरवेल दे दिया है, जो कि उनके आईजीएल सेवरीन। उन्होंने इस पोस्ट में लिखा, टुडे वी बिड फेयरवेल टू आर वेलोरेंट आईजीएल एट द रेट सेवरीन। सेवरीन हेल्प अस इमेंसली विथ हिज स्किल्स एंड एक्सपीरियंस थ्रू आउट हिज टाइम विद द टीम एंड वी विश हिम नथिंग बट द बेस्ट। एंड यार जो सेवरीन थे वो आईजीएल थे आरएनटी के, तो अब देखते हैं कि जो रेवेनेंट है वो कौन से नए आईजीएल को अपनी टीम के अंदर लेके आती है। एंड आपको क्या लगता है आप कमेंट करके जरूर बताना। अपनी वीडियो को अपन आगे बढ़ाते हैं, अपन बात करने वाले आईफ्लिक्स के बारे में। तो आईफ्लिक्स को लोग बोल रहे थे कि आप नई टीम कौन सी ज्वाइन कर रहे हो, तो इस बारे में रिप्लाई कर रहे थे। फिर लोग उनको बोल रहे थे कि क्या आप 8-bit के कोच बन सकते हो क्या, तो इस चीज़ पर भी रिप्लाई किया था। इसके साथ जो वाइल्ड कार्ड होने वाले उसके बारे में वो बात कर रहे थे, तो उनका पूरा रिप्लाई भी आप देख लो। पटेल मीच कौन सी ऑर्ग, वेल अभी तक कोई ऑर्गेनाइजेशन चूज नहीं किया है, अभी भी यही पे ही हूँ। ये वीक का एंड में जाने का प्लान कर रहा हूँ मैं गाइस, सैटरडे संडे कोई भी एक दिन। सो या लव यू आरफ्लिक्स भाई, लव यू टू भाई, चेतन भाई लव यू टू ब्रो, लव यू टू, वेलकम गॉड लाइक फैन हियर, वाह क्या बात है भाई, बढ़िया, वेलकम वेलकम वेलकम, धन्यवाद ब्रो आपके आने का। 8-bit के कोच बन जाओ, 8-bit के साथी वाली जो हैं उनके पास एक बढ़िया सा कोच है, वो शायद 8-bit को भी हेल्प करता होगा, क्या मालूम। तो फिलहाल आई डोंट नो ब्रो, 8-bit क्या सीन पता नहीं ब्रो, कोच नेसेसरी है या नहीं है, बट आई थिंक वो लोग अच्छा कर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो देयर इज अ नेसेसिटी। हाँ आई थिंक गॉड लाइक नहीं होगा क्वालिफाई। यार देखो मैं इतना तो बता सकता हूँ, 16 टीम्स को क्वालिफाई करनी है, तो 16 टीम्स में से क्वालिफाई करने के लिए स्लॉट 16 ही है और टीम्स जो है वो है 64। अब 64 में से 16 टीम्स को क्वालिफाई करनी है, विच मीन्स मेरे को नहीं लग रहा है कि भाई सारे टीयर वन टीम्स क्वालिफाई होंगे। आई एम डेफिनेटली श्योर बहुत सारे टीयर वन टीम्स निकलेंगे बाहर गाइस, सो एक्सपेक्टेड रखना। तो उसमें से एक गॉडल और सोल जो है ना हो तो बेहतर होंगे।
और अगर रेशियो बताएंगे तो यार मिनिमम मुझे लगता है कि एटलीस्ट 6 अंडरडॉग्स तो यार वाइल्ड कार्ड में से एंट्री ले लेगा, मेरे को ऐसा लगता है गाइस, और बाकी 10 टियर 1 टीम्स का होने का चांसेस है। तो ऐसे में तो हाँ एक्चुअली ऐसा देखा जाएगा तो वी कैन एक्चुअली डिफरेंशिएट बिटवीन, हाँ अगर ऐसे में तो हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि भाई कितने कौन कौन क्वालिफाई होने का चांसेस में है और कौन कौन नहीं है। तो उसमें भी वी विल प्रेडिक्ट इन सच ए वे दैट कि भाई क्वालिफाई होने के लिए 10 अंडरडॉग्स को तो सॉरी 10 आई विल चूज 10 टीयर 1 टीम्स जो क्वालिफाई हो सकता है और बाकी 6 अंडरडॉग्स जो क्वालिफाई हो सकता है, कुछ ऐसा डिफरेंशिएट भी कर सकता है। वाइल्ड कार्ड के बारे में बात चल रही है तो अपन बात करने वाले मेजी के बारे में, तो मेजी भी अपना ओपिनियन दे रहे थे पूरे जो वाइल्ड कार्ड अभी होने वाला है उसके बारे में, उनके हिसाब से क्या टी1 टीम्स क्वालिफाई कर पाएगी क्या, तो उनका पूरा रिप्लाई आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैक्सिमम 2 या 3 टी1 टीम्स होंगी जो सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई करेंगे, उसका मेरे पास एक रीजन है। अभी ग्राइंड को याद करो, ठीक है, ग्राइंड को याद करो, ग्राइंड में रैंडम ग्रुप्स बने हुए थे, ठीक है, ग्राइंड में रैंडम ग्रुप्स बने हुए थे जिसमें टी1 टीम्स के पास चांसेस बहुत ज्यादा थे कि वो टॉप 16 में पहुंचे, पर क्या हुआ, वो जिनको कोई नहीं जानता था वो टीम टी1 टीम से ज्यादा अच्छा खेल के चली गई। हाँ देखो ये रही ग्राइंड की ओवरऑल स्टैंडिंग, ठीक है, इसमें आप प्रॉपर टी1 टीम गिनिए कितनी है, रेवरेंट हो गई, फॉरएवर को मान लो, आईकू को मान लो, हैदराबाद को मान लो, गॉडलाइक को मान लो, जी हो गई, डन ब्लाइंड हो गई, ठीक है, आरू को भी ले ही सकते हो, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 16 में से 8 टी1 टीम्स थी जो ऊपर गई, बाकी के जो भी थे वो सब ऐसी टीम थी जिनसे किसी ने उम्मीदें लगाई नहीं थी और वो क्वालिफाई हो गए। उसका एक बेसिक रीजन था, उसका एक बेसिक रीजन ये था कि हर एक ग्रुप में एक या मैक्स टू मैक्स 2 टी1 टीम थी जिनके पास एक्सपीरियंस था, बाकी वो टीम्स थी जो अपना पहली बार किस्मत आजमा रही थी और उनको पहली बार, वो होता है ना कि आप अच्छा खेलते ही खेलते हो, हर चीज़ आपके हक में ही जाती है, और वो चीज़ इन टीम्स के साथ हुई और वो गई भी। दूसरा फैक्टर आता है कि वो कैसा खेलेंगे, वो कैसा मारेंगे, वो क्या करेंगे, वो किसी को नहीं पता, उस चक्कर में टी1 टीम्स का नुकसान हुआ और वहां पे अंडरगॉड्स ने बहुत मार मारा। अभी हाँ, एक और दूसरा फैक्टर था, एक तो ये फैक्टर हो गया, दूसरा फैक्टर था कि हमारे पास 3 मैचेस थे, 3 मैचेस के बाद वापस से रीग्रुप हुआ, देन वापस से 3 मैचेस खेलने को मिले। अब तुम ये सोचो जिन अंडरडॉग टीम का 3 मैचेस खराब गया वो आखिरी के 3 मैच में क्या करेगा, कुछ भी हो सकता है। जैसे तुम लोगों ने वो आखिरी मैच था जहां पे मोगो के ऊपर इतनी सारी टीम्स आ गई और वो घूमते रह गए इधर से उधर उधर से उधर, तो अब ये सोचो कि जब उन्हें पता चलेगा कि आखिरी 3 मैचेस हैं तो वो क्या कर सकते हैं, कितनी सारी टीम को टारगेट किया जा सकता है, जो कि कहीं से भी गलत नहीं है, गेम का पार्ट है वो, तुम स्वतंत्र हो कहीं पे भी जाने के लिए, कहीं पे भी तुम जा सकते हो, जैसे वो टीम ने किया था कि जोन के बाहर जाके वो लोग वहां गए और उसके बाद ऐसा वैसा हो गया। ये रीग्रुपिंग वाला जो है ना, ये टी1 टीम्स को बहुत ज्यादा खलने वाला है। एंड अपन अब बात करते हैं सरदार जी के बारे में, तो सरदार जी जब लाइव आए थे तो बात करते जोनाथन के बारे में, गॉडलाइक के बारे में, एंड उनका पूरा रिप्लाई आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अजी क्राफ्टन को ये कह रहा, क्राफ्टन को कह दो कि अगर जॉनी को थंबनेल में रखा तो ये वही लॉन्ड है जो कह रहे थे कि जॉनी थंबनेल में नहीं है तो व्यूज नहीं आएंगे, ये भी याद रखना कि तुमने कहा था मित्र। बट देखो बात तो सही है, थंबनेल कर्स तो है भाई, यार सबकी फटती होगी ना भाई कि मेरी फोटो ना आ जाए थंबनेल में, मेरी फोटो ना आ जाए थंबनेल में, क्या डर है भाई, खौफ तो है यार। सब लोग जॉनी को वो लास्ट 1v1 के लिए ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन आप ही समझाओ, डीवीएस थी जो 50-50 रहती है, उसके ऊपर इतना प्रेशर था, समझा, अरे यार लोग क्या कहते हैं से फर्क नहीं पड़ता, मतलब ये मैंने कल सीखा। क्या गोल्ड सोल एक ग्रुप में होगी रिचुअल के बाद, यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है भाई। पर सेंसी की तो ड्रीम टीम थी ना, ये सवाल मैंने भी पूछा था, एक हमारे समीक्षक हैं उन्होंने तो ये भी कहा है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ड्रीम टीम लेके भी नहीं हो रहा तो फिर तो मुश्किल ही है कि होगा। एंड एट लास्ट हम बात करते हैं मान्या के बारे में, तो जैसा कि हमको पता है कि BGS राउंड 4 के अंदर सबको आईक्यू सोल से बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, मतलब सबको लग रहा था कि सोल का डोमिनेशन आने वाला है, लेकिन सोल इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए एंड वो वाइल्ड कार्ड के अंदर मूव हो चुकी है, एंड इसी के बारे में मान्या यहाँ पर बात कर रहे थे, रिएक्ट कर रहे थे वो, तो उनका पूरा रिप्लाई आप देख लो। उसके बारे में मत बात करो, प्रेजेंट के बारे में सोचो गाइस। यस सही बोला, रोनी को कौन टाल सकता है। मान्या भाई से पूछो जब मैचेस खत्म हुए उसके बाद टीम का क्या रिएक्शन था, एकदम रो रो के पूरा बूट कैंप डुबा दिया और एक दूसरे के साथ बहुत लड़ाई की इन लोग ने, नहीं बोला तेरी गलती तेरी गलती तेरी गलती, ऐसा वी डोंट फाइट डोंट वरी गाइस, ये पराठा को लग रहा हम गर्ल्स कस्टम खेल रहे हैं मरने का। हां मान्या भाई से पूछो अचानक टीम को क्या हो गया है, मान्या बताओ अचानक से टीम को क्या हो गया है।
रहा है, बस मोमेंटम खराब है। मोमेंटम खराब है गाइस भाई, राउंड 4 के सोल के रोटेशन देख के मेरा दिमाग काम करना बंद हो गया था। मेरा फट वाला ना, सबका सबका मान्य का भी दिमाग काम करना बंद हो गया। मेरा मॉन्ट तो गाइस वी गॉट टारगेटेड। एंड बस अपनी आज की वीडियो कर लेते हैं पर खत्म। वीडियो पसंद आया तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।